आज की कहानी है बहू मेरा बेटा मरनी पर तेरे मायके। नहीं आएगा दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मुकेश परवीन जी दामान को दफ्तर से छुट्टी नहीं मिली तो संगीता बेटी परसों अकेली आ रही हैं। उसके ससुराल वाले तो सोच रहे होंगे कि बेटा नहीं जाएगा तो अकेली बहू कैसे जा पाएगी, मेरी बेटी बहू साथ सी हैं, मिल गया होगा जवाब सबको। उसकी ट्रेन रात के 11 बजे हैं, तुम समय पर जाकर स्टेशन जाकर उसे ले आना, कहीं ससुराल वालों को कुछ कहने का मौका न मिल जाए। प्रतिभाजी अपने बेटे मुकेश से कहती है। मुकेश बोला, माँ मेरी बात जीजाजी से हुई थी, उनकी माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं है और बैंक में क्लोजिंग का टाइम है, इसलिए वो दीदी के साथ नहीं आ रहे। दीदी को भी समझना चाहिए, 2-3 दिन रुक जाती तो क्या घट जाता, आजकल हर कोई ट्रेन में अकेले सफ़र करता। दीदी अगर ट्रेन से आ रही हैं तो क्या परेशानी है। प्रतिभाजी बोली, क्यों रुक जाती, उनकी माँ की तो आए दिन तबीयत खराब रहती है, तो क्या उस वजह से वह अपनी माँ को छोड़ देगी। और अभी तो तुमने कहा कि ट्रेन में अकेले सफ़र करने में कोई परेशानी नहीं है और मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, वह अपनी माँ के लिए कोई भी परेशानी उठा सकती है, तुम बस समय पर जाकर उसे ले आना। ठंड का मौसम था, अंधेरा भी बहुत जल्दी हो रहा था, तो रात ने भी एक सफ़ेद चादर ओढ़ रखी थी। मुकेश जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसकी पत्नी नैना आकर बोली, ठंड बहुत बढ़ रही है, रात का समय है, आप कहो तो मैं आपके साथ चलूं। मुकेश बोला, अरे नहीं जरूरत नहीं है, और वैसे भी स्टेशन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस तुम कुछ गरम गरम बना कर रखना, दीदी ने खाना खा ही लिया होगा, बस आने के बाद बच्चों को सूप या दूध और हमारे लिए सही बना कर रखना, मैं जल्दी आता हूँ। इतना कहकर मुकेश चला गया। प्रतिभाजी बोली, बहू अपनी बहन के लिए क्या वो इतना कष्ट भी नहीं उठा सकता, जब उसकी बहन अकेली आ रही है तो उसका फर्ज बनता है कि रात हो या दिन हो बहन को लेने जाना, और तुम साथ जाकर क्या ही कर लेती। नैना बोली, मम्मी जी मैं तो इसलिए कह रही थी कि रात में सुनसान रास्ता होता है और अगर ट्रेन थोड़ी लेट हो गई तो वह अकेले बोर हो जाएंगे, और वैसे भी ट्रेन में दीदी अकेले कहाँ है, एक डब्बे में कितने परिवार होते हैं, इसलिए आप दीदी की चिंता मत कीजिए। इतना कहकर नैना रसोई में चली गई। करीब एक घंटे बाद मुकेश संगीता और बच्चों को लेकर आया। नैना ने फटाफट बच्चों को गरम गरम दूध पिलाया और वो सो गए, सबको अदरक वाली चाय दी तो संगीता बोली, क्या भाभी आपको भी पहले से पता था कि ननन इतनी देर से आएगी तो खाना खाकर ही आएगी, अरे कम से कम पकौड़े ही बना लेती, उतनी जगह तो सबके पेट में होती है। नैना जैसे ही उठने लगी संगीता बोली, अब रहने दीजिए, बनाने की इच्छा होती तो आप पहले से बना कर रखती, बहुत थक गई हूँ, वह तो अपनी माँ और भाई से मिलने की इच्छा थी कि मैंने अकेले सफ़र कर लिया जो हर किसी के बस की बात नहीं है। नैना मुस्कुरा कर बोली, दीदी आप क्या मुझसे मिलने नहीं आई हैं, मैं भी तो आपका इंतज़ार करती हूँ। प्रतिभाजी बोली, अरे बहू इसके कहने का वह मतलब नहीं है, तुम तो बात को पकड़ कर बैठ जाती हो, थोड़ा सा गरम तेल ले आओ, मैं इसके पैर में लगा देती हूँ और तुम बच्चों को लगा दो, ये लोग आराम करेंगे, बाकी बातें कल करना। नैना सास का कहना मानकर
रसोई में तेल गरम करने चली गई। 2-4 दिन सबको बहुत मन लगा। कुछ रोज बाद परवीन जी का फोन आया कि माँ की तबीयत अभी ठीक है, पर साल का आखिरी महीना है तो बैंक में बहुत काम होता है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम्हें जब आना होगा तो बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। संगीता नाराज हुई, फिर बोली, अच्छा ही है, करे अपनी माँ की अकेले सेवा, मैं तो मायके का आनंद लूंगी। इतना कहकर वह प्रतिभाजी के साथ हंसने लगी। करीब 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। एक रोज मुकेश को नैना के घर से फोन आया कि उसकी नानी का अंतिम समय आ चुका है, तो वह नैना को एक बार देखना चाहती है। मुकेश ऑफिस से घर आया तो नैना को ये बात बताई। नैना बहुत रो रही थी। नैना की शादी को करीब 1 साल ही हुए थे। गिनकर वह अपने मायके गई होगी तो मुकेश ने उसका जाना जरूरी समझा। शाम में प्रतिभाजी बोली, शादी को अभी 1 साल ही हुए हैं और मुकेश पहली बार ससुराल जाएगा, और वह भी किसी के मरने पर। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे घर पर खुद हमारी बेटी आई हुई और बहू का कोई भाई भी नहीं है जो उसे लेने आएगा, तो बहू कैसे जाएगी। मुकेश बोला, माँ आप कैसी बातें कर रही हैं, शादी की बातों में एक बार जा चुका हूँ, फिर अभी मैं क्यों नहीं जा सकता। प्रतिभा जी बोली, ये हमारे घर का नियम है, तुम्हारे ससुराल में अगर किसी की शादी हो चुकी होती तो बात अलग थी, किसी के मरने पर नहीं जाते हैं और बहू से मिलने। संगीता आई है तो क्या उसका जाना उसे अच्छा लगेगा, वैसे भी बहू की नानी की उम्र हो गई थी, बेचारी चली जाए तो उन्हें भी मोक्ष मिलेगा। नैना रोती हुई वहां से चली गई। माँ बेटे में बहुत देर बातें हुई, फिर मुकेश बोला, ठीक है अगर मैं नहीं जा सकता तो नैना तो अपनी नानी से मिलने जा ही सकती है, मैं उसका टिकट करवा देता हूँ, वह अकेले चली जाएगी। प्रतिभाजी बोली, हाय हाय बहू अकेले कैसे जा सकती हैं। संगीता आई है तो उसका जाना उसे अच्छा लगेगा क्या, वैसे भी बहू की नानी की उम्र हो गई थी, बेचारी चली जाए तो उन्हें भी मोक्ष मिलेगा। नैना रोती हुई वहां से चली गई। माँ बेटे में बहुत देर बातें हुई, फिर मुकेश बोला, ठीक है अगर मैं नहीं जा सकता तो नैना तो अपनी नानी से मिलने जा ही सकती है, मैं उसका टिकट करवा देता हूँ, वो अकेली चली जाएगी। प्रतिभाजी बोली, हाय हाय बहू अकेले कैसे जा सकती हैं। नैना कमरे से बाहर निकल कर आई और बोली, मम्मी जी दीदी अकेली मायके आ सकती हैं तो मैं अपनी मरती हुई नानी को देखने के लिए क्यों नहीं जाती जा सकती। प्रतिभाजी बोली, लोग क्या कहेंगे कि अकेली लड़की को भेज दिया और ट्रेन में कहीं उस मिस हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। नैना बोली, 2 हफ्ते पहले आपकी बेटी अकेली इतनी दूर से बच्चों को लेकर आ सकती है और मैं नहीं जा सकती, आपने ही कहा था हिम्मत वाली लड़कियां अकेले सफर करती हैं। मम्मी जी जमाना बदल रहा, अब तो फोन की सुविधा है, अगर मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं उनको बता दूंगी। जिस लड़की का भाई नहीं होता क्या वह लड़की कहीं भी अकेले आना जाना नहीं करती। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दीजिए, मेरी नानी की सांसें मेरे लिए अटकी होगी, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। संगीता ने भी नैना के जाने पर आंतरिक जताया, जिसे सुनकर नैना को बहुत आश्चर्य हुआ, पर उसने उससे कुछ नहीं कहा। मुकेश बोला, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, अपने लिए कुछ और दूसरे की बेटियों के लिए कुछ और नियम बनाना ये तो सरासर गलत है। नैना पढ़ी लिखी है, शादी से पहले दूसरे शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करती थी और अकेले आना जाना करती थी, तो मुझे नहीं लगता उसे कोई परेशानी होगी। नैना तुम जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हारा टिकट करवा देता हूँ, आज रात ही निकल जाओ। इतना कहकर मुकेश वहाँ से चला गया। संगीता बोली, देखा माँ, नई नई शादी हुई है और अभी से पत्नी
भक्त बन गया है अभी मैं और आप घर में है उसकी चिंता नहीं है। अपनी बूढ़ी नानी सास की इसे ज्यादा चिंता है। प्रतिभाजी बोली, अब क्या किया जाए बेटा, तुम्हारे पापा होते तो कुछ कहते भी, मैं कुछ कह भी नहीं सकती। जाने दो बहू को, फिर मैं इस से बात करती हूँ, और वैसे भी लौट कर बहू को तो यहीं आना है, फिर देखूंगी। नैना बेसारी दुखी मन से जाते हुए भी अपने सास के पास हुई तो सास ने सार बातें सुना दी। नैना बोली, मम्मी जी भगवान ना करे कल को अगर मुझे आपके लिए अकेले जाना कहीं जाना पड़े तब क्या मुझे नहीं जाना होगा, सोचिएगा जरा। इतना कहकर नैना चली गई। मुकेश नैना को ट्रेन में उसके हाथ में एक किताब देते हुए बोला, इससे तुम्हारा सफर जल्दी कट जाएगा, और कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत बताना। नैना बोली, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी, मुझे आदत है। वैसे भी रास्ते में किताबें मेरा साथी बनकर मुझे हौसला देते, आप सबके साथ अपना भी ध्यान रखिएगा। नैना अपने सफर पर अकेली निकल गई। मुकेश ने नैना के घर पर फोन करके उसके जाने की खबर दी। घर जाकर अपनी माँ से बातें की, उन्हें समझाया, माँ कल को अगर मैं बाहर चला गया और मुझे कोई दिक्कत हुई तो क्या आपने नैना को मेरे पास अकेली नहीं भेजेगी। बहुत देर समझाने के बाद प्रतिभाजी को एहसास हुआ कि आखिर बेटा बाहर रहेगा तो बहू ही तो सब कुछ संभालेगी। प्रतिभाजी बोली, ठीक है। अब वो अकेली गई, पर आने समय उसे लेने चले जाना। संगीता बोली, माँ पर ये कैसे जा सकता है। प्रतिभाजी बोली, ससुराल नहीं जाएगा पर अपनी पत्नी को लेने के लिए क्या उस शहर के स्टेशन तक भी नहीं जा सकता। मैं जानती हूँ बहू बहुत साहसी है, वह अकेली आ जाएगी, पर इसका क्या फर्ज बनता। वह इसकी माँ बहन का इतना ख्याल रखती है तो इसे भी तो करना चाहिए। प्रतिभाजी के जवाब से संगीता का मुँह खुला का खुला रह गया। वही मुकेश माँ को गले लगाकर बोला, माँ अगर हर सास आपकी तरह समझदार हो जाए तो किसी भी बेटे को माँ और पत्नी के बीच में पीसना नहीं पड़ेगा। आपकी ये बातें सुनकर नैना बहुत खुश होगी, वह हमेशा कहती हैं मम्मी जी जैसा दिखती हैं वैसी है नहीं। ये सुनकर प्रतिभाजी भी मुस्कुराने लगी। समय बीता जा संगीता वापस लेने परवीन आई। वही नैना की नानी के अंतिम क्रियाक्रम के बाद मुकेश स्टेशन पर जाकर नैना को लेकर घर वापस आया। सब कुछ अच्छा होते देख नैना को भी तसल्ली।